Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 26 और 27 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारा वीकली रिविजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2021 में होगा उसकी मेजबानी करेगा। पांच ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन जो कि 2021 में होगा उसकी मेजबानी करेगा हरियाणा। तो चलिए पहले बात कर लेते कि इनका फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था। 2018 में दिल्ली में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का फर्स्ट एडिशन और इसके हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक स्पोर्टिंग इवेंट है जिससे ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट को हंट किया जाता है। ये दो हिस्सों में होता है, पहला है अंडर 17 स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। इसके तहत 1000 बेस्ट किड्स को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें 5 लाख का सालाना असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है फॉर 8 ईयर्स, और ताकि वो अपने आप को इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर कर सके। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं आगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हरियाणा होस्ट करेगा चौथा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो कि होगा 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, और इसकी अनाउंसमेंट की है मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है और हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 25 जुलाई को ये गेम्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी इन पंचकुला। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनका पहला, दूसरा और तीसरा एडिशन कहाँ कहाँ हुआ था। 2018 में इनका पहला एडिशन हुआ था दिल्ली में, 2019 इनका दूसरा एडिशन हुआ था पुणे में महाराष्ट्र में, और तीसरा एडिशन दो वर्ष 2020 में हुआ था, वो हुआ था गुवाहाटी आसाम में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, SCO की हेल्थ मिनिस्टर डिजिटल मीट हुई थी, इनमें से कौन से हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने SCO हेल्थ मिनिस्टर डिजिटल मीट में भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। तो हमारे केंद्रीय मंत्री है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था इन दी SCO डिजिटल मीट यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ मिनिस्टर डिजिटल मीट 24 जुलाई को। इस मीटिंग को चेयर किया था रशियन फेडरेशन के हेल्थ मिनिस्टर मिखेल मुराश्को ने। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसने इस मीटिंग को चेयर किया था और इस ये मीटिंग कब हुई थी। तो 24 जुलाई को हुई थी और इसमें रशियन फेडरेशन के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिखेल मुराश्को ने इसे चेयर किया था, और इसमें जितने भी मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे वो डिस्कस कर रहे थे COVID-19 का क्राइसिस और कैसे उसे ग्लोबली मिलकर लड़ा जा सकता है। और इसमें डॉक्टर वर्धन ने ये भी कहा था कि दुनिया में लोवेस्ट रेट ऑफ इन्फेक्शन कोविड का है भारत में, ऑल्सो लोवेस्ट मोर्टालिटी रेट। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बात कर लेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है बीजिंग चाइना में। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह अनासिस 2 लॉन्च किया है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम है अनासिस। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि साउथ कोरिया ने हाल ही में अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है अपने आप को
नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए। और इस सैटेलाइट का नाम है अनासिस 2 और इसे लॉन्च किया है प्राइवेट ऑपरेटर स्पेसएक्स ने 20 जुलाई 2020 को। इस लॉन्च के बाद साउथ कोरिया दुनिया की 10वीं कंट्री है जिसके पास अपना खुद का मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इस लॉन्च के बाद साउथ कोरिया का जो मिलिट्री इंडिपेंडेंस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है वो भी बूस्ट हो जाएगी। तो चलिए अब साउथ कोरिया के बारे में कुछ जानते हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम है मून जे इन, इसका कैपिटल है सियोल और इसकी करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस संगठन ने भारत के साथ मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में? 5 ऑप्शन से हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और भारत ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। भारत और यूरोपियन यूनियन ने अपना जो अग्रीमेंट था साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में के लिए, उसे उन्होंने रिन्यू किया है अगले 5 सालों के लिए, यानी कि 2020 से 2025 के लिए। ये सबसे पहले ये अग्रीमेंट साइन हुआ था 23 नवंबर 2001 में, और उसके बाद ये ऑलरेडी 2 टाइम्स रिन्यू हो गया है, एक बार वर्ष 2007 में और दूसरी बार वर्ष 2015 में, और अब तीसरी बार वो रिन्यू हुआ है वर्ष 2020 में। ये जो आपसी कोऑपरेशन है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ये कई सारे मुद्दों पर फोकस करता है, जैसे पानी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ई मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी, हेल्थ एंड आईसीटी। इसके तहत आपस में ये जो दो कंट्रीज आप कह सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन से ये शेयर करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे को कंटिन्यूसली हेल्प करते हैं कि कैसे इन सब एरियाज में हम अपना काम आगे बढ़ा सकें। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल, हाल ही में HDFC बैंक ने भारत की GDP को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन से हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी एट -7.5%। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं आगे। HDFC बैंक ने मई में भारत की GDP को आंका था एट -4.8% और अब उन्होंने भारत की GDP को आंका है एट -7.5% फॉर द करंट फिस्कल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 21 के लिए। ये इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्शन माना गया है बिकॉज नॉन मेट्रो एरियाज में COVID-19 के केसेस काफी सारे बढ़ गए हैं, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स को लॉकडाउन को कंटिन्यूसली री इम्पोज करना पड़ रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो चलिए इसके अलावा बात करेंगे कि कौन कौन सी अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भारत की GDP को कितने प्रतिशत तक आंका है। RBI ने आंका है एट -1.5%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आंका है एट -6.8%, सीरीज फिच और SP ने भारत की GDP को आंका है एट -5%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस पेमेंट सर्विस ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है जिसके तहत वो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए? 5 ऑप्शन से हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, अमेजॉन पे। चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। अमेजॉन पे जो कि ई कॉमर्स जाइंट अमेजॉन इंडिया का पेमेंट्स आर्म है, उन्होंने हाल ही में पार्टनरशिप की है एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ जिसके तहत वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए। जो कस्टमर्स है वो कोटेशन ले सकते हैं अपनी गाड़ियों के लिए या फिर 2 व्हीलर्स के लिए अमेजॉन पे पर जाकर, वहां पर अपनी बेसिक डिटेल्स वो प्रोवाइड करेंगे और उसके तहत उन्हें कोटेशन मिल जाएगी इंश्योरेंस अमाउंट की। इसके अलावा वो कई सारे एड ऑन सर्विसेज ले सकते हैं जैसे कि 0 डेप्रिसिएशन, इंजन प्रोटेक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल, भारतीय रेलवे किस वर्ष के दिसंबर तक सभी वेगनों को आर
FIG टैग करेगा। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 2022 दिसंबर तक इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि वो सभी वेगन्स को RFID टैग कर देंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं RFID टैग एग्जैक्टली है क्या। RFID टैग का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। इंडियन रेलवेज का जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि टारगेट है कि 2022 के दिसंबर तक वो सभी वेगन्स को RFID टैग प्रोवाइड करेंगे और इसमें लगभग 23,000 वेगन्स कवर किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट स्टिल इन प्रोग्रेस है कोविड-19 पैंडेमिक के भी बीच। इस टैग के बाद जितने भी जो डिवाइसेस है रेलवेज के उनको एग्जैक्टली पता होगा कि उनकी एग्जैक्ट पोजीशंस क्या है, यानी कि वेगन्स लोकोमोटिव्स कोचेस। एट प्रेजेंट जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है इन वेगन्स लोकोमोटिव और कोचेस को खोजने के लिए वो है मैनुअल सिस्टम विच इज़ फुल ऑफ एरर्स। इसमें कई बार एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए कई बार शॉर्टेजेस भी होती है ऑफ वेगन्स लोकोमोटिव्स एंड कोचेस। इस RFID टैग के बाद ये सारा सिस्टम बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाएगा और ये लोग एग्जैक्टली जान जाएंगे कि इनकी पोजीशन क्या है। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां सवाल, ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ इनमें से किस संगठन ने पार्टनरशिप की है जिसके तहत कोविड-19 से उनकी ग्रीन रिकवरी को और ज्यादा बूस्ट किया जाए। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है विद द ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं आगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत वो अपनी जो मेंबर्स हैं उनकी ग्रीन रिकवरी को बूस्ट करे जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से प्रभावित हुए हैं। उनका मकसद यही है कि जो 2030 की जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ये अश्योर करेगी कि उनकी 75% ऑफ द कमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो सपोर्ट करें हमारे क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन को और पूरी तरह से उसे अपनाए वर्ष 2030 तक। इसके अलावा एडीबी का ये अनुमान है कि उनके खुद के सोर्सेस से जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो टच करेगा 80 बिलियन US डॉलर्स 10 वर्षों के बीच, यानी कि 2019 से 2030 के बीच में उनका जो क्लाइमेट फाइनेंस है उनके खुद के ओन रिसोर्सेस से वो टच करेगा 80 बिलियन US डॉलर्स। लास्ट ईयर यानी कि 2019 में उन्होंने कमिट किया था 6.5 बिलियन US डॉलर्स इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स हैं उन्हें कंसेशनल फाइनेंसिंग उनके पार्टनर्स करेंगे तो वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ताकि वो अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव कर सके। इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड ने टोटल एडीबी के 10 प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग यानी कि 473 मिलियन की फंडिंग अप्रूव की है। बढ़ते हैं नौवे क्वेश्चन की तरफ। नौवा सवाल, हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज की है ऑन कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड। इस कमिटी के हेड कौन है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी दीपक बी फाटक है इस कमिटी के हेड। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पर एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ द कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड। इसके लिए उन्होंने कमिटी का गठन किया था 23 दिसंबर 2019 को और उसके चेयरमैन थे प्रोफेसर दीपक बी फाटक जो कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। इस कमिटी का मकसद सिर्फ यही था कि जो हमारा क्यूआर कोड है यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड है उसमें जो सिस्टम यूज होता है वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है उसको वो लोग मॉनिटर करेंगे, उसमें क्या चेंजेस लाएंगे और ऐसे रिकमेंडेशंस वो सबमिट करेंगे।
भारत में क्यूआर कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे डिजिटल पेमेंट्स को और ज़्यादा सीमलेस बनाने के लिए, इसमें जो भी एरर्स है उसे हटाने के लिए, और इसको और ज़्यादा हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं ताकि सब कोई इसे यूज़ करे, ये कमेटी का काम यही था कि उसके ऊपर रिकमेंडेशंस वो सबमिट करेगी। इस रिपोर्ट में ये भी रिकमेंड किया गया है कि कैसे हमारे क्विक रिस्पॉन्स कोड को हम और ज़्यादा इंटर ऑपरेबल बना सकें, बिकॉज ये कई जगहों पे यूज़ होते हैं, चाहे यूटिलिटी बिल्स पेमेंट हो, फ्यूल हो, ग्रॉसरी हो, फूड हो या फिर ट्रैवल हो। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है? पांच ऑप्शन से हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई पार्थो प्रतिम सेन गुप्ता। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अपॉइंट किया है पार्थो प्रतिम सेन गुप्ता को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक। वो जगह लेंगे ऑफ करनाम शेखर जो कि रिटायर होंगे 30 जून 2020 को, और इनका जो टेन्योर है यानी कि पार्थो प्रतिम सेन गुप्ता का जो टेन्योर है वो कंटिन्यू होगा 31 दिसंबर 2022 तक। तो चलिए बाकी बैंक्स के सीईओ कौन कौन है एक बार जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ का नाम है संजीव चड्ढा, बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम है अतनु कुमार दास, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम है पल्लव महापात्रो, इंडियन बैंक के सीईओ का नाम है पद्मजा चुंदुरू, और यूको बैंक के सीईओ उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, द एंड गेम किताब के लेखक कौन है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी हुसैन, सॉरी एस हुसैन जैदी इज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल्ड द एंड गेम। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी ने हाल ही में एक नया नॉवल लिखा है जिसका नाम है द एंड गेम, और इसे पब्लिश करेगी हार्पर कॉलिंस इंडिया ने, और इसमें कई सारी बात है राजनीति के बारे में, धोखाधड़ी के बारे में और अकल्पनीय डर के बारे में। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, 21वां कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाएगा? पांच ऑप्शन से हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 26 जुलाई 2020 को 21वां कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है कारगिल विजय दिवस, जो ऑपरेशन विजय है उसके सक्सेसफुल होने के बाद इसका नाम पड़ गया कारगिल विजय दिवस, और ये भारत में मनाया जाता है 26 जुलाई को। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्यों ये वॉर लड़ा गया था। 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जिस 90 वर्ष 1999 में साइन होने वाला था, जिसके तहत दोनों साइड में जो आर्मीज थी उन्होंने ये निर्णय लिया था कि पीसफुल तरीके से जो कश्मीर का मुद्दा है उसे सुलझाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान है वो अपने आर्म फोर्सेस इलीगली भेजे जा रहा था हमारे यानी कि इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल के साइड में। पहले तो इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल को लगा कि वो कोई जिहादीज है, बट बाद में उन्हें पता चला कि एक्चुअली पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के लोग हैं जो इलीगली एंटर कर रहे हैं, भारत का इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद 60 डेज का ये वॉर चला था, ये कारगिल वॉर, जिसमें कई लोगों की जाने गई थी, भारत से भी कई सारे लगभग 550 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, और उसके बाद हमने जीता था, जो पाकिस्तान ने एरिया हमारा ले लिया था, लगभग 130 से 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उसे भारत ने वापस जीता था। तो इसीलिए मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, वीवो आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में आयोजन किया जाएगा वीवो आईपीएल 2020। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं आगे। हाल ही में बीसीसीआई ने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है कि एग्जैक्ट शेड्यूल और फॉर्मेट क्या होगा
एडिशन ऑफ द आईपीएल का, इसके लिए बीसीसीआई एक मीटिंग बुलाएगी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की, और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को हेड करेंगे ब्रिजेश पटेल, जो एग्जैक्ट डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्ट शेड्यूल और फॉर्मेट क्या होगा 13 एडिशन ऑफ आईपीएल का। और इसके अलावा वो जो आईपीएल के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स है स्टार इंडिया, उनके साथ भी बातचीत की जाएगी, और एक बार ये सब मीटिंग हो जाए उसके बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आईपीएल 2020, वो कब से स्टार्ट होगा, और उसके बाद उनकी फ्रेंचाइजी और बाकी स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो, आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे आरबीआई ने अग्री कर दिया है 400 मिलियन का करेंसी स्वैप विद श्रीलंका। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है, आप जाके हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उसे चेक कर सकते हो। तो प्लीज उसे चेक कीजिए ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आरबीआई ने क्यों अग्री किया है 400 मिलियन डॉलर्स का करेंसी स्वैप विद श्रीलंका। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।